हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। करवा चौथ माता की पूजा कैसे की जाती है ये तो मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा करवा चौथ व्रत में की जाती है चंद्रमा की पूजा। तो चलिए थाली देख लेते हैं। ये सारा सामान मैंने रख लिया है। इसमें से जो पानी वाला करवा है थाली में आपको रख लेना है, तो मैंने करवा भी रख लिया है। चलिए छत पर चलते हैं। और हाँ, अगर आपके घर के आंगन में से अगर चंद्रमा दिखता है तो आप घर के आंगन में भी पूजा कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जहाँ से आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाए उस जगह से आप पूजा करें। तो हम जो है ना यहाँ पर छत पर आ गए हैं और हमारे यहाँ जो है ना 8-8:30 बजे तक जो है ना चंद्रमा के हमें दर्शन हो जाते हैं। तो देखिए जो चौथ का चंद्रमा होता है ना वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जल का अर्घ दिया जाता है। हमारे पूजा में दो करवे होते हैं, एक मीठा करवा होता है, एक के अंदर मिठाई भरी जाती है और दूसरे के अंदर जल भरा जाता है। तो जल वाले करवे से जो है ना आपको देना है अर्घ। इसकी सीके जो है ना आप निकाल दीजिए, क्योंकि इसका जो छेद है इसी में से जो है ना अर्घ दिया जाता है। अर्घ देते समय ध्यान रखिए, नीचे आप कोई बर्तन रख लीजिए या किसी वृक्ष में आप या फिर कोई पेड़ लगा है तो उसमें आप अर्घ दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जब जमीन पर आप अर्घ देते हैं तो वो जल जो है ना उचट कर जो है ना आपके पैरों में ही लगता है, तो उसका जो है ना पाप लगता है। कभी भी ना सूर्य को इस तरह अर्घ दिया जाता है, ना कभी चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। नीचे कोई आप बर्तन रख ले ताकि आप जब ऊपर से जल डालें तो वो बर्तन में जाकर जो है ना जल गिरे। तो इस तरह से जो है ना अर्घ देने का सही तरीका ये होता है। तो इस तरह से जो है ना जल से अर्घ दे। वैसे चंद्रमा की पूजा में जो है ना दूध जरूर चढ़ाया जाता है कच्चा, तो अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर घर की देखिए अपनी अलग परंपरा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नहीं चढ़ाकर आपको बताया है। तो अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, चंद्रमा के करने हैं दर्शन छलनी में देखकर। तो इस तरह से जो है ना दीपक आपको रखना है छलनी में। ये यहाँ पर मैंने मिट्टी का दीपक लिया है, घी का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित है। इस तरह से चंद्रमा के दर्शन करें, उसके बाद अपने पति के दर्शन जो है ना इस प्रकार किए जाते हैं। तो ये परंपरा जो है ना बहुत पुरानी परंपरा चली आई है। मैंने पहली बार जब करवा चौथ का व्रत रखा था तो अपने ससुराल के रीति रिवाज देखे थे, वहीं से जो है ना सारी चीज़ें मैं आज तक फॉलो करती आ रही हूँ। तो आप अपने बड़े बूढ़ों से सलाह ज़रूर लें। देखिए हमारे वीडियोस देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने घर की परंपराओं को जरूर ध्यान रखें। हर वीडियो में कहती हूं, क्योंकि हर राज्य हर जिले की अपनी एक अलग परंपरा होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है और थोड़ी सी जो जगह है ना नीचे की इसको आप लीप लीजिएगा, क्योंकि जब चंद्रमा को हम रोली चावल चढ़ाते हैं ना तो डायरेक्ट उनके ऊपर इस तरह से फेंकते हैं, और फेंकेंगे तो वो सामान जो है ना कहीं गलत जगह जाकर गिरेगा और दूसरों के पैरों में लगेगा। तो नीचे आप थोड़ा सा चौक पूर लें, स्वास्तिक बना लें उस जगह पर हल्दी से, और उसके बाद जो है ना वहीं पर आप उनके नाम की रोली चावल चंदन चावल जो भी आप चढ़ा रहे हैं सब कुछ जो है ना इस तरह से चढ़ा दें। पान का पत्ता मैंने एक लिया है, उसके ऊपर मिठाई रख दी है, उनको भोग लगा दिया है। खीर जो है ना आज के दिन हम लोग ज़रूर बनाते हैं, तो खीर अगर बनाई है तो भोग लगा दीजिए, क्योंकि चंद्रमा को खीर बहुत प्रिय है। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से चंद्रमदेव की जो है ना आरती करनी है। आरती अगर नहीं आती तो केवल घंटी बजा कर जो है ना 7 बार इस प्रकार घुमा दीजिएगा, आरती हो जाएगी। इसके बाद अगर आपके यहाँ इस तरह की सीके पूजा में यूज़ होती हैं तो इन सीकों को जो है ना हमारे यहाँ चंद्रमा पर ही चढ़ा दिया जाता है। आपके यहाँ इन सीकों का क्या किया जाता है ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग इन सीकों में मिठाई लगाकर चंद्रमा पर जो है ना दो दो सीके दोनों हाथ से जो है ना चढ़ाते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे आटे के चेटुआ इनको बोलते हैं वो लगाकर चढ़ाते हैं। कुछ लोग सीकों का प्रयोग नज़र उतारने के लिए भी करते हैं, क्योंकि आज के दिन पति की पूजा की जाती है तो उन्हें हमारे सुहाग को किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए सीकों का प्रयोग नज़र उतारने के लिए भी किया जाता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इन सीकों का कैसे आप लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और हाँ, करवा चौथ की आप सबको दिल से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके सुहाग की लंबी उम्र करे, हमेशा खुशहाल मन से नई नई जोड़े पहनकर जो है ना आप लोग करवा चौथ का व्रत मनाते रहें, और हमेशा जो है ना प्रेम से अपने रिश्ते को निभाते रहें। आज के दिन जो है ना एक उपाय और किया जाता है, तो साथ ही साथ यहाँ पर
आप लोगों के साथ बता दूं कि एक पति पत्नी अगर एक दूसरे को पान खिलाते हैं तो कहते हैं कि इससे जो है ना दोनों में प्रेम बढ़ता है। तो पान तो वैसे भी प्रेम का सूचक होता है, तो आज के दिन एक दूसरे को पान ज़रूर खिलाना चाहिए और एक दूसरे का कहना भी मानना चाहिए। तो ये दोनों के लिए जो है ना होती है, रिश्ता जो है ना दोनों के तरफ से जो है ना निभाया जाता है, तो तभी जो है ना रिश्ता मजबूत होता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।